गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HH लखनऊ व्लॉगर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सूजी का एक बहुत ही हेल्दी और क्विक बन जाने वाला ब्रेकफास्ट बताऊंगी। ये मैंने 1.5 कटोरी के करीब सूजी ली है और उसमें मैं 1/2 टीस्पून के करीब नमक डाल दूंगी और थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब पानी से हमें इसको एक बहुत ही पतला सा बैटर बनाना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने बैटर बना लिया है और ये कितना लिक्विडी है क्योंकि सूजी अभी ये पानी एब्जॉर्ब करेगी। आपको भी इतना ही पतला बैटर तैयार करना है। और मैंने 4 से 5 आलू बॉईल कर लिए हैं, अब मैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून के करीब ज़ीरा पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग या 1/2 टीस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिला लेना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बैटर बन के तैयार हो गया है। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं मिंट लीफ या हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अप्पे पैन चढ़ा दिया है। अब मैं हल्का सा ऑयल से इसकी ग्रीसिंग कर दूंगी और हमारी सूजी को भी रेस्ट करते हुए 10 मिनट्स के करीब हो गए। अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बनाने जा रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ स्टफ्ड अप्पे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही हल्का सा ऑयल लगा लिया है। अब मैं पहले इसमें थोड़ा सा बैटर डालूंगी सूजी का। फ्रेंड्स, अगर आपको अपना बैटर थोड़ा थिक लगने लगा हो तो पानी डाल के इसको और पतला कर सकते हैं। देखिए, मैंने भी इसमें 1/2 कप के करीब पानी डाला है। अब मैं इसको थोड़े से बैटर को अपने पैन में डालूंगी और इसके अंदर जो मैंने आलू का बैटर तैयार किया है वो रख दूंगी और इसको फिर से सूजी के बैटर से कवर कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अप्पे पैन में सारे अप्पे डाल दिए हैं और अब मैं इनको ढक के 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करूंगी। फ्रेंड्स, हमारे अप्पे बनने शुरू हो चुके हैं। अब हम लोग ऊपर से भी हल्का सा ऑयल लगा के फिर इनको पलट के दूसरी तरफ से भी अच्छे से रेड कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे स्टफ्ड अप्पे बनके तैयार हो गए हैं और मैंने इनको घर की बनी हुई हरे धनिया की चटनी और मैक्सिकन सालसा के साथ दिया है। आप अपनी पसंद की किसी भी सॉस या चटनी के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है और आपके बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी एक अच्छी रेसिपी है जो बहुत ही क्विक बन जाती है और हेल्दी इसलिए भी है क्योंकि इसमें हम लोगों ने बहुत ही कम ऑयल यूज़ किया है। सो फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।